दोस्तों, आज हम सब देखेंगे कि कैसे 3ds Max का यूज करके नल को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक सिलेंडर लेना है, तो ऐप प्रेस कर लीजिए या ऐसे ही रख के अल्ट प्रेस करके, और यदि आप जो माउस का मिडल बटन है उसको प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो ये पैन होगा, ठीक है। या ये है, आप इससे भी पैन कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, जिससे मन उससे कर सकते हो आप। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक सिलेंडर लेना, ठीक है, ये सिलेंडर लेना और ये ऊपर को और ड्रैग कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका हाइट सेगमेंट है, जो ये साइड्स है, उसको यहाँ पर 8 रखना है, 8, ओके। लो पॉलीफॉर्म में बनाना है। उसके बाद जो रेडियस, चलिए ठीक है, और यहाँ पर हाइट का जो सेगमेंट्स है वो 1 कर दीजिए, ओके। उसके बाद कैप का सेगमेंट, ठीक है, ये भी सही है। हम लोग को क्या करना है कि जो ये रेडियस है, ये रेडियस तो ठीक है, लेकिन हाइट को क्या करना, इंक्रीज कर लेना। ये मैंने हाइट को इंक्रीज कर लिया, और कर लेता हूँ मैं हाइट को इंक्रीज, ओके। मैं इसको 200 कर देता हूँ, 200 कुछ ज़्यादा हो गया, तो 150 कर देता हूँ, ओके। और थोड़ा इसको बढ़ा भी देता हूँ, मैं इसको 40 कर देता हूँ, हाँ अब सही, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम लोग को सही करना है, तो ऐप प्रेस करेंगे। ऐप जैसे आप प्रेस करोगे, ठीक है, ऐप फ्रंट मोड में आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके, और ये फ्रंट मोड में हम लोग आ गए। अब क्या करना है कि ये जो रोटेशन है इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और इसको 90 डिग्री पे कर लेना है, 90 डिग्री। अब देखिए ये है, वाई एक्सिस को 90 डिग्री कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट से फेसेस आते हैं। अब क्या करना है, इसको मूव करना, मूव करने के बाद ऊपर रखना है, मॉडिफाई टैब पे आना है, और मॉडिफाई टैब पर आने के बाद जो इसका हाइट है उसको इंक्रीज कर लेना थोड़ा, यूँ तो 200 ही रखना होगा हम लोग को, 200 या 250, ठीक है। अब रख लिया। अब क्या करना है इसको कि कन्वर्ट करना, तो राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ आइए, आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एज सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और कोई भी एज सेलेक्ट करके और अल्ट आर प्रेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यूँ आना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट कर दीजिए, ओके। ये कनेक्ट हो गया, अब कनेक्ट कर दिया मैंने। कनेक्ट करने के बाद देखिए ये दिख नहीं रहा है, तो F4 प्रेस कर दीजिए, तो जो लूप्स होंगे वो दिखने लगेंगे। फिर क्या करना है आपको, इस साइड को सेलेक्ट करना है, फिर Alt और R प्रेस करना है, और उसके बाद आपको फिर राइट क्लिक, फिर कनेक्ट, ओके। 9 हम लोग को इक्वली डिवाइड करना है, इसलिए ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये भी आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर ऐसे ही कर लीजिए, Ctrl+R, 9 कनेक्ट, और इसको भी ऐसे कीजिए, Ctrl+R, और ये कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट हुआ नहीं ये, तो हम लोग फिर कर लेते हैं, Ctrl+R, और ये कनेक्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ओके। टी प्रेस करेंगे तो टॉप व्यू दिखेगा, ये हमारे पास टॉप व्यू है टी प्रेस करने पर। और ये देखिए, अब ये वायर फ्रेम मोड में, तो आप F3 प्रेस कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे फेसेस कर लीजिए, ठीक है, और F4 प्रेस करने से ये हमारे पास दिखने लगेगा। अब क्या करना है सबसे पहले कि जो ये एजेज है, एजेज को कन्वर्ट करके पहले, और यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। उसके बाद सभी पॉली को, यहाँ पर जो 4 पॉली है उसको सेलेक्ट करना है, तो आप पहले इस पर क्लिक करके उसके बाद अल्ट प्रेस करके ये चारों पे क्लिक कर लीजिए, ओके। फिर अल्ट प्रेस करके यहाँ पर देखो वर्टेक्स है सेलेक्शन पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके। अब देखिए बीच में जो वर्टेक्स है, ये इस वाले को
अनसेलेक्ट करना है, डिसेलेक्ट करना है, तो क्या करना है आपको, जो अल्ट प्रेस करके उसके बाद यूं ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब हम पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक मॉडिफाइड टैब आता है, ओके, उस पर एस प्रेस कीजिए, एस एस प्रेस करने पर एक स्पेरिफाई ये आता है, ओके, स्पेरिफाई कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है कि जो पैरामीटर जो भी 100% रखना है हम लोग को, तो ये हल्का राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है पॉलीगॉन्स में, पॉलीगॉन्स में देखिए ये दिख नहीं रहा है, तो क्या करना है सबसे पहले कि यहाँ पे आके और इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोलैप्स ऑल इस पर क्लिक कीजिए और यस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग को इसको सही करना है, देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करना है कि इस सब को क्लिक कर लिया मैंने अल्ट प्रेस करके, और यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट करना है आपको स्केल करके, और इसको नीचे की ओर ड्रैग कर लेना, जैसे आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे ये खुद वो सही हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, देखिए ये सही हो गया नीचे की ओर ड्रैग करने पर, ओके। अब हम लोग का क्या करना है कि एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा, इसको सेलेक्शन पे आइए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रूड करिए, जो ये यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको, ये बगल में जो बॉक्स टाइप का बना है उस पर क्लिक कीजिए, तो इस पर क्लिक करना और उसके बाद इतना ही पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, सेम टू सेम आपको जो अब जो करना है, तो सबसे पहले वी प्रेस करके और यहाँ पे लिखिए बॉटम व्यू, उस पर आना है, और नीचे में भी सेम टू सेम यही करना है। सबसे पहले इन पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये सभी पॉलीगॉन्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अल्ट क्लिक कंट्रोल को प्रेस करके वर्टेक्स पे क्लिक करना, उसके बाद अल्ट प्रेस करके और ऐसे बीच में ड्रैग कर देना, ओके। अब हम लोग का क्या करना है, फिर आना है और फिर एस प्रेस करना, यहाँ पे स्पेरिफाई नाम के मॉडिफाई होगा, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद सेम वही कोलैप्स टू ऑल, फिर यहाँ पे आना है, फिर पॉलीगॉन्स पे सेलेक्ट करने है, ठीक है, फिर ऐप प्रेस करके यूं आ जाना, फिर ये हमारे पास हुआ, और इसको जितना हो सके नीचे को ओर ड्रैग कीजिए, जो ये सही से आ जाए, नीचे को ओर ड्रैग करना ही, ठीक है, ड्रैग करके, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसको भी क्या कीजिए, आप यहाँ पे मूव पे कीजिए क्लिक, उसके बाद एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा, एक्सट्रूड के आइकॉन आए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसी को बेवल करना है थोड़ा सा, तो ये किया और बेवल का ऑप्शन इस तरह से है, तो देख लीजिए बेवल ये हमारे पास हाइट के लिए, और ये जो है ये इंक्रीज करने के लिए यूँ, तो हम लोग को क्या करना है कि ये हाइट को बिल्कुल कर देने हैं जीरो, क्या करना है जीरो, और ये सही है और एक्सेप्ट कर लेना है, फिर आने हैं यूँ, और फिर अब इसी को एक्सट्रूड कर देना थोड़ा सा, तो एक्सट्रूड ज़्यादा कर लीजिए इसको, ये इतना करने के बाद ये सब, तो इतना हम लोग डिजाइन बना। अब देखिए क्या करना है, अब प्रेस करना है पहले, फिर आना है यहाँ पे पॉलीगॉन्स पे, फिर नहीं पॉलीगॉन्स में नहीं, एजेस सेलेक्ट करने, फिर यहाँ पर भी हम लोग को देने हैं कंट्रोल आर करके और कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज कर दिया मैंने, और इक्वल डिस्टेंस देने के लिए कितना है लोग कट्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग को 4 ही रखना है, 1, 2, 4 ओके, अब एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया।
फिर ऐप प्रेस करना है हम लोग को, तो ऐप प्रेस करके जब फ्रंट मोड पर है ही पहले से, तो वी प्रेस करना है और हम लोग को टॉप व्यू पे आना। टॉप व्यू पे आ गया, अब फिर वही करना है, इनको सेलेक्ट करना है, इनको सेलेक्ट कर ले, इनको सेलेक्ट कर ले, फिर कंट्रोल को प्रेस करते हुए यहाँ पर वर्टेक्स पे क्लिक कर देना, ओके। फिर अल्ट प्रेस करके फिर वही ये रहा, फिर वही मॉडिफाई स्पेरिफाई, तो एस 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 प्रेस करके रखना है और यहाँ पे स्पेरिफाई आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर कोलैप्स टू ऑल, फिर यस, ओके। नो आना है यहाँ पे और पॉलीगॉन्स पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, ऐप प्रेस करके रखना है आपको, और यहाँ पे जो स्केल है ये रहा, ठीक है। अब फिर वही करना है, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करना है, थोड़ा सा जितना ऐड हो सके तो इतना करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट, फिर आना है यहाँ पे, फिर बेवल, बेवल का हाइट जीरो रखिए, हाइट जीरो रख दिया मैंने, और इसको इसको इतना करके एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद इसी को एक्सट्रूड करना है अपवर्ड, तो एक्सट्रूड किया, मेक श्योर इसका एक्सट्रूड लेवल को ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने वो कर दिया, ठीक है, और इसको कर लिया आप एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट कर लिया, इतना ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को कि एल प्रेस करना है लेफ्ट व्यू के लिए, एल प्रेस कर लिया, एल प्रेस करने के बाद एक स्प्लाइन यहाँ पे यूज करना, यहाँ पे आया और क्रिएट टैब में यहाँ पे शेप्स है, शेप्स पे क्लिक किया, उसके बाद हम लोग को चाहिए लाइंस, तो लाइंस ड्रॉ करना है इस तरह से, ये रहा, ये इस तरह से ड्रॉ करना है कुछ लंबा सा लाइंस यू, और रिलीज करने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए, रिलीज हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए कि मैं चाहता हूँ कि इस पे आके यहाँ पे मॉडिफाइड टैब पे आके फिर लाइंस पे क्लिक करके फिर वर्टेक्स पे आके और इस वर्टेक्स को और खींच लूँ हल्का, थोड़ा सा मैंने खींच लिया, लाइंस पे आया, इसको अपवर्ड शिफ्ट कर लिया यूं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसी में वर्टेक्स सेलेक्ट करते हुए एक ऑप्शन होता है, वो होता है फिलेट, तो आप स्क्रॉल करते रहिए ऐसे अपफिलेट, ठीक है। फिलेट करने के बाद इसको पहले ये करना है और उसके बाद फिलेट करना है, ये क्या फिलेट, इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, ड्रैग कर लिया, इसको रिलीज कर देना। अब जो दूसरी बात ये है कि ये जो है टी प्रेस करके सेंटर पे आके और इसको मीड में रखना है, इसको इस लाइंस को मीड में रखना, किसके मीड में, तो इसके मीड में, तो आप यूं कर लीजिए। और यूं करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लाइंस है ये बीच में कट टाइप के, तो मेक श्योर कि ये सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो स्नैप टूल्स है उसको ऑन कर दीजिए, तो पहले राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर वर्टेक्स पहले से ही है, क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको ऑन कर लीजिए स्नैपिंग। अब ठीक है, ये वो तो नहीं रहा है, इसका दोस्तों रीजन कुछ इस तरह से है, अच्छा मैं रीजन बताता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा, पहले इसको स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, स्नैपिंग ऑफ कर दिया। और यहाँ पे हेयर चिप पे क्लिक करना है और इफेक्ट पिविट पॉइंट,
इसका पिविट पॉइंट को चेंज कर देता हूँ मैं। तो वही करना है आपको पहले कि ऐप प्रेस करके आ जाना फ्रंट व्यू पे और यहाँ पे इफेक्ट पिविट पॉइंट, इसका पिविट पॉइंट जो भी है इसको ड्रैग कर दिया यूँ। ड्रैग करने के बाद एल प्रेस कर लेना, एल प्रेस कर लिया और इसका पिविट पॉइंट लेके चला जाता हूँ यहाँ। ओके, मेक श्योर एकदम सही होना चाहिए पिविट पॉइंट आपका, ठीक है। फिर जूम कर लिया ये और ये, ओके। नौ फिर ऐप प्रेस कर लेना, ऐप प्रेस करने के बाद भी सही, और इसको पिविट पॉइंट को ऑफ कर देना। अब ये पिविट पॉइंट इफेक्टेड है, ओके। नौ स्नैपिंग ऑन कर लेना फिर और सीधा कर देना है न्यू ड्रैग, यूँ करना और यूँ ड्रैग हो गया, स्नैपिंग ऑफ कर दीजिए। बल्ले बल्ले हो गया अब तो, ये देखिए, ओके। नो इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाइड टैब पे आने हैं, फिर पॉलीगॉन्स लेने हैं। पॉलीगॉन्स लेने के बाद ये चारों पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर लेना है, चारों पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करना है। तो अल्ट प्रेस करके ये ये ये, और यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको आना है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, इस पर क्लिक करना। उसके बाद देखिए ये जो है इसको क्लिक करते हुए यहाँ पे स्प्लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए ये इस तरह से कुछ आ गया और एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों, ये रहा। और यह एक मिनट, यहाँ पे देखिए स्मूथनेस नहीं था तो फिर से मैं करता हूँ, और अब यहाँ से इसको स्मूथ कर सकते हैं जितना आपको स्मूथ करना हो दोस्तों। इसको मैंने एक्सेप्ट किया, अब देखिए ये तो फिलहाल इतना तो बन चुका है। अब देखिए इसको और अच्छी तरह से बनाने के लिए बहुत सारे बातें हैं, तो पहले बातें हम लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले बातें कि यहाँ पे एक लूप कट से देना है, तो ऐसे क्या क्लिक और मैं कंट्रोल आर प्रेस, सॉरी कंट्रोल आर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं यहाँ पे पिविट पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ। आ गया एच पे, एच पे आने के बाद ऑल्ट आर करना, फिर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद एक होना चाहिए, मेक श्योर एक ही रखना है आपको। जूम कर लीजिए थोड़ा सा और इसको नीचे को ओर ड्रैग कर दीजिए, नीचे करा है ये हमारे पास, नीचे ड्रैग करना है, फिर इसको करना है जीरो, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आना है ऐसे, फिर इसी को एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड जब करेंगे तो ये जो है हाइट बताता है और ये बताता है डिस्टेंस कैसे रखना है यूँ, और इसको इनर को ओर करना है लाइक दिस, ओके। अब इसको हाइट को कुछ ऐसे इस तरह से, ठीक है, नो एक्सेप्ट। फिर यहाँ पर भी वही करना है तो इसको भी कर लिया। अब देखिए डबल क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा जो एजेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर क्लिक, फिर एक्सट्रूड, पहले से यहाँ पर वैल्यू सेट है, एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर भी वही करना है तो इसको भी डबल क्लिक कीजिए, आप डबल क्लिक कीजिए इसको, चलो यहाँ पे एक लूप कट्स पहले दीजिए फिर कीजिए। तो कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट कर लिया मैंने, कनेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना इसको, इसको जीरो में रखेंगे तो पूरा बीच में बनेगा ये, एक्सेप्ट कर दिया मैंने। और ये रहा एक्सट्रूड, सेम कमांड फ्लाई, ओके। अब इतना तो हो गया, अब हम लोग को लूप कट से देना है, इसमें एक जो है अप्लाई करना है हम लोग को मॉडिफाई, तो इसके लिए लूप कट से देना होगा। तो चलिए पहले दे देते हैं लूप कट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल आर प्रेस करके एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट देने हैं, ठीक है। कनेक्ट मेक श्योर कि आप दो कर लीजिए, यहाँ पे तीन भी कर सकते हैं। और ये जो है इसका डिस्टेंस इंक्रीज कीजिए, ये इस साइड या इस साइड,
या जो आपस में है ये आपस में मेक श्योर कि आप ऐसे कर लीजिए, ओके, इसको एक्सेप्ट कीजिए। लूप क्वेश्चन रखने सिमिलर यहां पर भी करना है, ऑल्ट आर और कनेक्ट पर फिर वही करना है, कनेक्ट एक्सेप्ट, ओके, फिर ऑल्ट आर, फिर कनेक्ट, और यहां पे तीन जो है वैल्यू इसको डिक्रीज कर देता हूं, ओके, फिर इस बगल में भी यही करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट आर, देन सेम टू सेम इसको करने हैं डिस्टेंस मेंटेन इस तरह से, देन कनेक्ट, ओके, अब ये भी सही है, यहां पर भी यही कीजिए आप, सेम टू सेम कनेक्ट, और करना है डिस्टेंस को मेंटेन इस तरह से, ठीक है, यहां पर भी कीजिए सेम, ये बीच वाले पर कंट्रोल आर कनेक्ट, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा यूं, ठीक है, ये लूप कट्स नहीं देंगे तो जो स्मूथ करते समय प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप भी मेक श्योर कि राइट क्लिक देन कनेक्ट, और थोड़ा सा इसको यूं मूव करके देख सकते हो आप, ओके, यहां तक तो सही है, हो गया, एक लास्ट फाइनली जो रह गया ये यहां पे कंट्रोल आर देन कनेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करना है, एडिटल पॉली को सेलेक्ट करना है, यहां पे आना है ट्रोवो स्मूथ, ये रहा ट्रोवो स्मूथ, ठीक है दोस्तों, और यहां पे आप इसको इंक्रीज कर लो, इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज, इंक्रीज कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है, इतना इंक्रीज कर लिया, इंक्रीज इतना सही है, और इसको भी कर दीजिए आप कोलैप्स ऑल, और देखेंगे ये हमारा बन गया नल, मॉडर्न नल। तो दोस्तों भले ये ट्यूटोरियल्स लंबा हुआ हो लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन सही ढंग से देने का प्रयास किया, पता नहीं आप लोगों को कैसे लगे, यदि आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलता हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मैक्स से रिलेटेड और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैक्स से रिलेटेड कोई भी मॉडलिंग चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, शायद कुछ मदद कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।